एक कॉन्टिनेंट में होती है, जरूरी है कि हर कंट्री कॉन्टिनेंट में हो? या ऐसे कोई कंट्री हो सकती है कि कॉन्टिनेंट में ना आती हो? ऐसा हो सकता है? पहली बात तो ये है, आप बोलेंगे जी पाकिस्तान एशिया में है, ठीक है, यूएसए कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में है। ब्राजील कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। जर्मनी कहाँ है? यूरोप में है। यूएई कहाँ है? एशिया में है। साउथ अफ्रीका कहाँ है? अफ्रीका में है। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया खुद के कॉन्टिनेंट है। न्यूजीलैंड कहाँ है कॉन्टिनेंट वाइज? न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड एशिया में है। ऑस्ट्रेलिया में है जी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ये अब जो आगे आप जाएंगे ना इसमें, तो आपको पता चलेगा कि ये हम क्यों क्यों बोल रहे हैं ऐसा। ये इसका लिंक जुड़ जाएगा आपकी कैलकुलेशन से, और फिर कैलकुलेशन किसने करनी है? इसमें कोई शक नहीं कि कंप्यूटर पे होगा सब कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगा, मगर कंप्यूटर कंप्यूटर है, रिबोट नहीं है। करना किसने है याद रखना, वो जो अब हवा सुनते हैं ना कि अब तो सब कुछ कंप्यूटर खुद करता है, तो कंप्यूटर खुद नहीं कर सकता है। रिबोट के अंदर कोई प्रोग्रामिंग हो तो वो शायद वो किसी को खाना सर्व कर दे, खाना पका दे, वो हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर है, एक बेजान चीज़ है, उसमें कुछ भी नहीं है। आपने करना है तो आपको वहाँ तक ला रहा हूँ जी। न्यूजीलैंड कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर हम कहीं बैठे हुए हों, जर्मनी में बैठे हुए हों, हम लोग चाय वाय पी रहे हों, और कोई मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताइए कि न्यूजीलैंड कहाँ है, और कोई हमें सुन रहा हो, कोई न्यूजीलैंडर हमें सुन रहा हो, वो भी चाय पी रहा है उस कंट्री में, और वो हमसे पूछे, और मैं आपसे पूछूँ कि न्यूजीलैंड कहाँ है, और आपकी आवाज़ आए कि वो तो ऑस्ट्रेलिया में है ना, तो जो न्यूजीलैंड वाला है ना, वो पता क्या करेगा? वो अपने चाय का भरा कप खींच के हमारी तरफ फेंक देगा, मार देगा हमें। क्यों? उसे गुस्सा क्यों आया? उसने कहा आपने ऐसे कैसे कह दिया कि हम ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हैं? आपने मैप देखा है कहाँ है ऑस्ट्रेलिया? ये रहा। कहाँ है न्यूजीलैंड? वो रहा। ये नजर तो नहीं आ रहा, मगर वहां देख लो, वहां देख लो, और नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया? गुस्सा क्यों आया उसको? हमने तो एक ऐसे ही बोल दिया था कि ऑस्ट्रेलिया। कभी आपने मैच देखा है ऑस्ट्रेलिया का न्यूजीलैंड का? कैसा माहौल होता है? इंडिया पाकिस्तान वाला माहौल होता है, एक्साइटमेंट होती है, शोर शराबा होता है, ज़्यादा नॉर्मल खेल नहीं खेल रहे होते। जो फास्ट बॉलर है वो थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग भी करा रहा होता है, गुस्से में भी होता है साथ में, तो इसलिए उनसे गलतियाँ भी होती हैं। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान इंडिया का जिस तरह मैच होता है, उस तरह का बिहेवियर वो कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ये सुनने को मिलता है, उनको ये सुनने को मिलता है। शराब में कहा ना, मिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड नहीं है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, फिर कहाँ है वो? तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक इंटरव्यू करने वाले ने आपसे ये पूछ लिया था कि ऐसे मुल्क हैं दुनिया में, ऐसे जजीरे हैं दुनिया में, ऐसे पार्ट्स हैं दुनिया में जो किसी कॉन्टिनेंट का हिस्सा नहीं होंगे, तो उसमें आप एक नाम ही ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड, नॉट अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉट अ पार्ट ऑफ एशिया, नॉट अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इधर, जो मैंने कहा दोबारा आऊँगा, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका नहीं है, साउथ अमेरिका नहीं है, बारबाडोस, ठीक है, आयरलैंड है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे किस कॉन्टिनेंट में है, तो भाई कॉन्टिनेंट में नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर आप जब ऐसे बहुत सारे जजीरों की बात करेंगे, तो वो बहुत सारे जजीरे जो हैं, जो आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे, अभी अभी देख लेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। तो हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री वो अगर आप मैप को लेंगे, तो फिर हिस्ट्री के अंदर देखेंगे कि दुनिया जो है ना, वो तकरीबन 30-35% खुश्की है, बाकी सब पानी है। तो खुश्की जो है वो प्योर खुश्की नहीं होती है, वहाँ पर जो कुछ ऐसे भी साइड होते हैं, जैसे सिंगापुर है, सिंगापुर कैसा है? बिल्कुल अलग सा एक जजीरा आप कह लीजिए इसको। और फिर आप कहेंगे कि जो मालदीव है, मालदीव के बारे में हमें कब पता लगा कि मालदीव भी कोई है? हमें तो यूएसए का भी पता नहीं था कि यूएसए भी कुछ है। वो क्या हुआ? दरियाफ्त हुआ। तो
तीसरा मालदीव दरियाफ्त हुआ है, मॉरिशस दरियाफ्त हुआ है, आज उनको आप कोई ना कोई स्टेटस दे रहे हो। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे जजीरे हैं जो दरियाफ्त हुए हैं 2015 में, 2014 में, अब हमें नज़र आएंगे वो भी जजीरे हैं, और ऐसे बहुत सारे जजीरे हैं जो दरियाफ्त होंगे अभी, और जो दरियाफ्त करेगा वो अपना झंडा वहाँ पर लगा देगा। न्यूयॉर्क, मेक्सिको, पेरिस, दुबई, जोहानिसबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, कराची, ठीक है। अब अगर हम, हमें मैप की समझ कैसी होनी चाहिए, हमें मैप की समझ यूँ होनी चाहिए कि जब हम बोलें न्यूयॉर्क तो न्यूयॉर्क मीन्स यूएसए, यूएसए मीन्स नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका मीन्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर मीन्स टीसी एरिया वन, पेरिस, पेरिस मीन फ्रांस, फ्रांस मीन यूरोप, यूरोप मीन्स ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरिया टू, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इसी तरीके से दुबई, इसी तरीके से जोहानिसबर्ग, इसी तरीके से कराची, बैंकॉक एंड सिडनी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरियाज क्लियर होने चाहिए। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो वो है नॉर्थ अमेरिका उसको अलग अलग, ये असाइनमेंट है आपका जो अब बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक न्यूज़पेपर साइज का मैप परचेस करके अपने पास रखना है और उसे खोल के कहीं छिपा दो उसको, पहली बात, ठीक है ना, ताकि आपको मैप को देखने का मौका मिले। एक तो अच्छी खबर ही है ना, आप सामने लगा हुआ आपके, तो आप देखते हो उसको, दो तीन घंटे देखते हो, उसके बाद आप उसको घर में लगा के रखोगे, फिर आप सबसे पहले स्टडी करोगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका जब आप बोलेंगे सर नॉर्थ अमेरिका में कनाडा है, कनाडा में क्या है, फिर अंदर टोरंटो है, मॉन्ट्रियल है, ओटावा है, इस तरीके से आप उसको लेके जाओगे। फिर आप आओगे यूएसए के अंदर, यूएसए में क्या है, यूएसए सर न्यूयॉर्क है, मियामी है, वाशिंगटन है, और क्या है, लॉस एंजलिस है, और क्या है, ह्यूस्टन है, और क्या है, डैलस है, और क्या है, इस तरीके से आप वहाँ पर जोर लगाओगे। फिर आप आ जाओगे नीचे साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में आपको पता है मैं आपको अभी गिनवाया, आप 12 मुल्क गिनवा दिए, उनके शहर हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे यूरोप के अंदर, यूरोप के अंदर एक कॉमन मुल्क मैंने गिनवा दिए आपको, कॉमन मुल्कों के अंदर हज़ारों शहर हैं, वो आपने देखने हैं, खास खास सारे नहीं, ठीक है ना, एक एक उठा लो काफ़ी है। मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट आपको पता है, जद्दा है, रियाद है, मस्कत है, मिसाल है, ठीक है ना, और इस तरीके से आप उसको देखते रहोगे। फिर आप आ जाइए अफ्रीका के अंदर, फिर आप आ जाइए एशिया, एशिया आपको पता है पूरा भरा हुआ है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया और इनके शहर जो कि नॉर्मली हमको समझ में भी आते हैं। फिर थाईलैंड है, थाईलैंड में हमारी सॉरी, फिर मिडल ईस्ट है, फार ईस्ट है, फार ईस्ट हमारी कितनी ट्रैवलिंग होती है, आपको नाम याद होते हैं, सिंगापुर में जाते हो, कुआलालंपुर जाते हो, बैंकॉक जाते हो, फिर पताया है, फिर आप 100 नाम गिन लो, पिनांग है, लंकावी है, उसके बाद आप मेलबर्न में देखोगे, सिडनी में देखोगे, जो बड़े बड़े नाम हैं। अब बात आती है कि हम ये बात सब क्यों सुन रहे हैं, यहाँ पर बात आती है ग्लोबल इंडिकेटर्स की, जिसका जिक्र नहीं होता, इवन कि मैंने देखा कि आयाटा भी अब जिक्र नहीं करता इसका। हैरत की बात यह है कि मैं जो कोर्स हम कंडक्ट कर रहे हैं आयाटा का, उसमें भी जिक्र नहीं आ रहा होता ग्लोबल इंडिकेटर्स का। किसी ने नाम सुना है ग्लोबल इंडिकेटर्स का? ये बेसिक है, ये बेस है, अगर ये हमें क्लियर नहीं हुआ तो हम लोगों का वो जो मैंने अभी दिखाया था कि दुनिया घूम रहेगी, तो हमें उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे हम। हमें इसकी मदद से पता चलता है कि भाई ये सूरत हाल है हमारे पास, उसके बाद हमें ये पता बताना पड़ता है अपनी कैलकुलेशन को कि व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम टीसी एरिया वन टू टीसी एरिया टू क्या क्रॉस करेंगे हम, कौन सी रूटिंग कहलाएगी ये, हमारी ट्रैवलिंग डायरेक्शन क्या होगी। अब जाहिर सी बात है मैं उसको अगर यूं घुमाना शुरू कर दूंगा तो आप बोलेंगे सर पता नहीं समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं आप, लेकिन इसी बात को मैं यहां से पकड़ूंगा कैसे कि जब भी आप वन से टू में आएंगे तो आपकी जर्नी अटलांटिक ओशन की होगी। देख लीजिए क्या क्रॉस करेंगे, जब आप वन से टू में आएंगे तो आपके दरमियान में क्या आएगा, अटलांटिक ओशन। मतलब ये हुआ कि अब इसको देख लो, अब एक पॉइंट खाली बताया है ना, अब ये देख लो कि ये यूएसए है, ठीक है ना, यहाँ से आप ट्रेवल कर रहे हो मिडल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका, रास्ते में क्या आएगा,
अटलांटिक ओशन, तो आपको अब प्रॉब्लम नहीं होगी, मैप क्लियर है नहीं है, लेकिन ये पता है कि न्यूयॉर्क कहाँ पर है और दुबई कहाँ पर है। तो अगर अगर आपको मैं जबानी बोल दूंगा, आपको अगर नाम भी नहीं पता होंगे, फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे कहाँ पर है वो, मतलब अगर आप मैप बोल रहा है कि सर वो वन में है या टू में है, तो आपने कहा ठोके अटलांटिक ओशन की रूटिंग है। इसी तरीके से अगर कोई रूटिंग मुझे बताइए कि अगर कोई जर्नी न्यूयॉर्क से, सॉरी पेरिस से अगर बैंकॉक आ रही है, तो मैंने बताया आपको कि ये मुझे पता होना चाहिए कि पेरिस कहाँ पर है और बैंकॉक कहाँ पर है, क्योंकि मैंने मैप रीडिंग की होगी, मैंने डे वन दिया होगा अपने घर के अंदर नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, और मैंने उसके बाद एक तीसरा दिन दिया होगा यूरोप को, उसको मैंने पढ़ा होगा, गौर किया होगा, चौथा दिन मैंने दिया होगा मिडल ईस्ट को, पाँचवें दिन मैंने दिया होगा अफ्रीका को, और छठा दिन मैंने दिया अपना एशिया को, और सातवां आठवां दिन मैंने यहाँ पर लगाया जो रेस्ट होता है, ये बड़ी साइड है, तो मैंने 10 दिन दिए इसको टोटल, 10 दिन दिए, तो मुझे कुछ ना कुछ मेरी पिक्चर बनने लग गई। पिक्चर बनती है कि नहीं बनती है हमें ये पता होना चाहिए। अगर आप किसी पिक्चर को खाली देखो, याद मत करो। अभी मेरे पास एक मैसेज आया, मैंने देखा व्हाट्सएप के ऊपर, किसी बच्चे का है, आप लोगों में से किसी का नहीं है, ठीक है, एक उस पर यूट्यूब पर कमेंट आया हुआ था कि आयाटा करने के लिए उसे किसी ने कहा है कि आपको तमाम के तमाम शहरों के कोड याद करने चाहिए और एयरपोर्ट कोड करने याद करने चाहिए। बकौल उसके, मैंने देखा नहीं अभी, सुबह की बात है, कि तकरीबन 29,000 कोड है, मैं कैसे याद करूं, ठीक है ना। अब बात यह है कि जिसने भी उसको कहा होगा, किसी इंस्टीट्यूट ने कहा होगा, ऑफकोर्स वो अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, उसे फिगर दिया गया है कि जी आपको क्या करना पड़ेगा, 29,000 कोड याद करोगे तो आप आयाटा कर सकते हो, वरना आप आयाटा नहीं कर सकते, अल्लाह हाफिज़। वो परेशान घूम रहा है, तो उसने मुझे मैसेज किया, अब मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन चूंकि वो वीडियोस देख रहा है तो क्या पता वो इससे भी, इस क्लिप से भी देख लेगा, तो जवाब मिल जाएगा। ये काम हमें ये नहीं करने हैं, याद करने वाला काम कुछ नहीं करना है हमको, हमारे कोर्स के अंदर याद करना कुछ नहीं है। आपने अगर कुछ भी नहीं किया, जो मैं कह रहा हूँ आपसे, आपको करना तो ये ऐसे ही है, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया, तो आपके दिमाग में जो दीवार है, उस दीवार के ऊपर जो मैप है वो इस तरह टंगा हुआ होगा कि जब आप मैप की बात करेंगे तो आपके सामने मैप आ जाएगा, और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। हमें अल्लाह की तरफ से इतनी तो पावर है ना कि हम लोग मेमोरी कर लेते हैं एक पिक्चर हमारे दिमाग में। मतलब आप क्यों कबूल कर रहे हैं कि मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये चेहरा या ये बंदा देखा हुआ है कि ये आता है और ये काम करता है, ठीक है ना। मैं आप लोगों में से किसी को क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप कौन हैं, या आप क्यों नहीं पूछ रहे कि भाई तुम कौन, आ जाए हो, क्योंकि आप सब लोगों को जानते हो एक साथ, कि ये सब लोग आते रहते हैं, ये वही चेहरे हैं, ऐसा ही है। तो जब आप मैप को टाइम दोगे, सिर्फ मैप खुद ब खुद आपके साथ दोस्ती कर लेगा, और अगर मैप दोस्ती